हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, और जानना चाहेंगे कि उनकी एनर्जीज कहाँ तक पहुँची है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आपने, बहुत लोगों ने मुझे हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश किया है। तो दोस्त तो मैं आपकी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी हमदर्द ज़्यादा हूँ, मतलब आपका दर्द समझने वाली ज़्यादा हूँ, क्योंकि खुद इस दर्द से गुजरी हूँ, तभी इस दर्द का मतलब एहसास ज़्यादा है। और इसीलिए आपके लिए सही गाइडेंस निकालने की कोशिश करती हूँ, आपको मैं पॉजिटिव रहने की सलाह दे रही हूँ, ताकि हर चीज़ जो आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि जैसे आपने ही अटका के रखी है। बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ, खास करके जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कि जब उनकी लाइफ की हीलिंग हो जाए, मतलब उनके लाइफ में जो भी हो सही हो जाए, बस यही रिक्वेस्ट है, और वो भी जल्द से जल्द। तो दो एनर्जी डेक, मेजर अरकाना से निकलेंगे कि सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। दो एनर्जी डेक से उनकी एनर्जी चेक करेंगे। द चैरियट और द एम्प्रेस, बॉटम डेक है द फूल की एनर्जी, जो दिखाता है नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहां पे इंसान खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, दो ही चीज़ों के ऊपर बहुत भरोसा करता है, और वो डरता नहीं है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी चाह फॉलो करने की कोशिश करता है। ये होती है फूल की एनर्जी, जिसमें सिर्फ अपने बारे में, इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है, इसका मतलब अपने आप पे भरोसा होना, यूनिवर्स पे भरोसा होना, ये बहुत ज़्यादा रहता है। तो चैरियट ये कार्ड दिखाता है कि आप लोग में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट का डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस, एज गैप है, बहुत सारे है, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो कोई कुछ भी डिफरेंसेस बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग एक हो, क्योंकि वो जो कनेक्शन है ना, वो सोल लेवल का है। और जितना बड़ा डिफरेंस, सपोज़ आपके बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है रिलीजन का या फाइनेंशियल स्टेटस का, कि मतलब इतनी अमीर गरीब का इतना बड़ा डिफरेंस है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतना बड़ा डिफरेंस मिटेगा कैसे, इतना बड़ा गैप मिटेगा कैसे। यही चीज़ यूनिवर्स प्रूव करना चाहती है कि ये सब चीज़ें सिर्फ प्यार से पॉसिबल है। तो ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपके तरफ मूवमेंट हो रही है, जैसे ये बोलो ना, ये रथ निकल चुका है, मूवमेंट है आपकी तरफ, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। द एम्प्रेस, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अभी हर चीज़ है ना, एक खुशहाली की, समृद्धि की तलाश में है, उसकी तरफ भाग रही है जो उनकी एनर्जीज है। मतलब अभी तक वो एक डिवाइन मस्कुलिन थे, तो अभी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम मतलब आप मेल हो फीमेल हो, अगेन मैं जैसे कह रही हूँ कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कौन सी एनर्जी में हो। आप अगर ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, और ज़्यादा ही मतलब रिजिड हो, झुकने को तैयार नहीं है, तो आपकी एनर्जी है द एम्परर की। माना कि आपका रुतबा हो, हायर लेवल पोजिशन है, ये सब है, लेकिन आपकी एनर्जीज है वो एम्परर की होती है। लेकिन अभी जो इनकी एनर्जीज निकल के आई, मुझे हमेशा उनकी एनर्जीज द एम्परर निकलती थी, आज एम्प्रेस निकली है, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि उनका जो चेंज है ना, वो फीमेल एनर्जी की तरफ, फेमिनिन एनर्जी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इमोशंस है, दूसरे की कदर है, दूसरे की भावना समझने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, या समझदारी है कि नहीं मैंने गलती की है, वहाँ वो जो एहसास होता है, वो प्यार होता है, किसी की प्यार करने का कदर का एहसास होता है, वो होता है। एक ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, लेकिन सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्बेडनेस भी है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी एनर्जी
जो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही खुशहाल होती है, उसमें धोखा कपट नहीं, एक प्योर एनर्जी बोलते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, जहाँ पे बहुत इमोशंस है, समृद्धि है और खुशहाली है, खास करके दूसरों को समझने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है इस एनर्जी में, स्पेशली प्यार के मामले में तो मुझे बहुत ज़्यादा होती है। और अगर ये कार्ड जॉब करियर फाइनेंसिस में आता है तो वो भी खुशहाली ही दिखाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी, अगर हम लोग उनकी पार्टनर की एनर्जीज चेक करें तो लव रिलेशन में ये एनर्जीज बहुत ही बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम उस इंसान से, उसके उस सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, उनकी एनर्जी समझ रहे और उनकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, ये एनर्जीज बहुत बहुत मायने रखती है। देखते हैं कि सेक्रल चक्र डिक क्या कहता है। इंस्टिंक्ट अगेन, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंदरूनी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। मुझे एक कमेंट आया है कि हमारी जो अंदर की आवाज़ है क्या वो सही है, तो आप अगर समझ सकते हैं कि कुछ अंदर की आवाज़ है ना, वो हमें सही दिखाती है। सपोज़ आपके पार्टनर रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं और आप उनके पीछे जाना नहीं चाहते या पीछे आप झुकना नहीं चाहते पूरे, तो ये आपका इंस्टिंक्ट है कि आपको सही से गाइड कर रहा है, लेकिन हम उस इंस्टिंक्ट को बिना सुने हमें लगता है कि ये रिलेशन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो रूठ गए या छोड़ दिया, उन्होंने टूट गए रिश्ता, तो क्या होगा। आप इस डर की वजह से ही रिश्ते में जो बोलते हैं ना, गलत सलत हम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, और यही तो बहुत बड़ी वजह होती है रिश्ता नहीं सक्सेस होने का। इनसिक्योरिटी, क्वेस्ट, डिस्कवरी, एनलाइटमेंट, और डेस्टिनी, और बॉटम ऑफ द डेक है रिन्यूअल की एनर्जी। आप देख सकते हैं ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी तरह से बदलने की एनर्जी। जो पहले इंसान था वो नहीं है, वो इंसान पूरी तरह बदल रहा है, बहुत ज़्यादा रिन्यूअल, मतलब जैसे कि एक स्नेक है अपनी स्किन बदलता है, वैसे ही वो अपनी जो पुरानी गलत स्किन निकाल के एक नई प्रोसेस, फ्रेश स्टार्ट करने के प्रोसेस में है। बॉटम लाइक फूल की एनर्जी आई थी, यहाँ पे रिन्यूअल का प्रोसेस है। डेफिनेटली उनकी एनर्जीज में बहुत सारी चेंजेस आए हैं। आज आप अगर आप देखेंगे कि मेरे कार्ड्स क्या आए हैं, इंस्टिंक्ट, डिस्कवरी, एनलाइटमेंट, क्वेस्ट और डेस्टिनी। उनको इंस्टिंक्ट से पता चल रहा है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, कुछ तो है ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे, बट वो कुछ चीज़ है, कुछ एनर्जी है जो मुझे खींच रही है एक सोल लेवल पे। वो एनर्जी आप है, वो उनको, वो प्यार उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये है, वो क्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मेरे सवालों का जवाब दो, वो इंसान को मुझे वापस दे दो, मुझे रास्ता दिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। ये जो रिक्वेस्ट करते मुझे नज़र आ रहे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही डिस्कवरी हो रही है हर चीज़ की, हर सवाल के जवाब जैसे अपने ही अंदर मिलने की है, वो फील हो रहा है कि अंदर ही अंदर जो उनको प्यार का एहसास हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं तो वो बहुत बहुत असर कर रहे हैं। और फिर है एनलाइटमेंट एंड देन डेस्टिनी। देखो ना, आप देख सकते हैं एनलाइटमेंट मतलब उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। माना कि वो पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करते होंगे, मेडिटेशंस पे बिलीव नहीं करते होंगे, बट उनकी जो एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है, तो वो एनर्जी वो अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन करती है। उनका जो चीज़ है ना, दुनियादारी से अटक जाती है और दुनियादारी से ही सॉल्व हो जाती है। तो उनका सिर्फ दिल से आपको याद करना,
आपके लिए रोना तड़पना ये भी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तरह उनके लिए काम करता है और वो आपको याद करते होंगे। जो आपको फील होता होगा कि आपके बिहेवियर में अचानक से चेंज आना या उनका कहीं नाम दिखना, उनकी आवाज़ सुनना या उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसा होना। और फिर है डेस्टिनी। डेस्टिनी में आपको चाहते हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो, ये वो समझ चुके हैं, तो भगवान से, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट का कार्ड है, तो जहाँ पे दिखता है कि डेफिनेटली आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कास्ट है, रिलीजन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, एज है, हर चीज़ का डिफरेंस मुझे बहुत नज़र आ रहा है। और देन है इनसिक्योरिटी। ये एनर्जीज़ भी मुझे बहुत, मतलब बहुत ही फील हो रही है कि बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं आपके लिए। मतलब कुछ लोग हैं जो अपने सेल्फ लव प्रोसेस में अगर सेल्फ लव प्रोसेस में अगर सक्सेसफुल हो गए हैं तो उनके पार्टनर उनको देख के बहुत ही इनसिक्योर हो रहा है कि अगर ये इंसान को मैंने खो दिया तो क्या। बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। और फिर है ओरेकल एनर्जी डेक। स्टॉर्म वार्निंग अगेन मेरे लिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि उनके जिंदगी में मच रहे हैं तूफान। जैसे कि मैंने कहा कि उनको सबक सिखाने का, उनको सही रास्ता दिखाने का यूनिवर्स के अलग तरीके हैं, तो तूफान मच रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो रहे, तो वो बहुत उनको यही चीज़ें, असली नकली की पहचान कराना, सही रास्ता दिखाना, इसी के लिए हो रहे। यिन एंड यांग, आप देख सकते हैं कि वो एक यूनिवर्स की एनर्जी में बैलेंस हो रहे, यूनिवर्स की एनर्जी में, मतलब एक फीमेल और मेल एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये अगर प्रोसेस उनकी सक्सेसफुल हो गई, माना कि मतलब जनरल रीडिंग है, सब कुछ है, और ये वो शायद यिन एंड यांग कॉन्सेप्ट समझते भी नहीं, लेकिन हम तो समझ रहे ना। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम हमारे रीडिंग्स में निकल के आ रहा है और जिस तरह से आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते होंगे, बहुत ही बैलेंस सिचुएशन में आते होंगे। वुमन होल्डिंग अ क्वाइन, अगेन जिस तरह से मैंने ना इनसिक्योरिटी है खास करके फाइनेंसेस के ऊपर बहुत नज़र आ रही है। मैंने जैसे कहा था कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम बहुत है, इनसिक्योरिटीज बहुत है, हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है। ब्रोकन हार्ट उनको सही रास्ता दिखाने का यही एक तो तरीका था। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगेन आपके सामने ही मैं बोल रही हूँ, आपके सामने ही कार्ड निकाले। कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है और वो निभा कर ही रहेगा, ये यूनिवर्स की तरफ से लिखा गया कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा होकर रहेगा। मेरे लिए ये जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, सब कुछ है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आपने नहीं, मैंने नहीं या उन्होंने नहीं लिखा, यूनिवर्स ने लिखा है। और बॉटम, मैं बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश। ये विक्ट्री की एनर्जी, अभी इस रिश्ते में जीत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा होकर रहेगा, ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। 10 नंबर 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर दो बार आया है और आप देख सकते हैं कि ये 28 नंबर है, 10 होता है, मतलब नंबर 1 आ गया अगेन, तो 9 नंबर 10 नंबर, मतलब कंप्लीशन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये 22 है, ये 13 है, अगेन ये 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 42 है और ये 6 है, अगेन 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये नंबर्स शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो डेफिनेटली आप ध्यान दीजिए। ये शायद आप कुछ इस नंबर से आपका कुछ रिश्ता हो, जुड़ा हो, आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है। तो विक्ट्री
इज द एनर्जी ऑफ देम, मतलब उनकी एनर्जी अब और हर चीज़ में अभी अब सब कुछ ठीक चाहते हैं, सक्सेस चाहती है। ये जो आप देख सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट है क्योंकि तूफानों से गुजरे हैं, दिल टूटा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ये एनर्जीज हैं। स्टॉर्म, तूफान मचे, दिल टूटा है और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो इस ये एनर्जी अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली जो सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह बदल के रहे। जो भी चीज़ें उनके साथ, जब सपोज कार्मिक सिचुएशंस थी, सपोज कुछ प्रॉब्लम्स थे, मतलब हर वो चीज़ आपके रिश्ते में जो रुकावट थी, हर वो चीज़ बहुत, क्योंकि कुछ लोगों को ना फाइनेंसेस का भी गुरूर होता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो मतलब हर डिसीजन मेरा है और तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे क्या किसी की ज़रूरत, ये वाला जो फीलिंग होता है ना कि फाइनेंस की प्रॉब्लम लोग समझ नहीं पाते कि तो मतलब फाइनेंस की वजह से भी कुछ लोग घमंड में रहते हैं कि पैसे की वजह से, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में ये फाइनेंसेस की प्रॉब्लम लाना ही एक मकसद होता है कि उनको सही राह दिखाना, क्योंकि उनको ये दिखाना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। और उन्हीं रिश्तों में जो सोलमेट कनेक्शंस है, जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, उनका प्यार है वो बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये चीज़ें ना पैसे से आ सकती हैं और ना जा सकती। हर रिश्ता अगर आप देखेंगे कि अभी तक इस रिश्ते में आप है, मतलब आपने इस रिश्ता को ज़िंदा रखा है, ये आप, ये रिश्ता आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे एक यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से है, क्योंकि अभी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। इसके लिए तो ये सब आप उनको पाने के लिए, उनको बदलने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, तो ये एनर्जीज हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए, मेरे कार्ड्स में तो पॉजिटिव मोमेंट्स आ रहे हैं, तो जिनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनके पार्टनर में उनको कोई पॉजिटिव मोमेंट नहीं नज़र आ रहे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कार्ड्स में यही मोमेंट्स आ रहे हैं। और मेरा मकसद आपको पॉजिटिव लेवल तक लेना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने अगर पर्सनल रीडिंग कराई तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव ही निकलेगी, सब कुछ अच्छा ही निकलेगा। लेकिन होगा क्यों नहीं, क्योंकि एक तो रीज़न है कि डिवाइन टाइम आया नहीं है, दूसरा रीज़न है कि आपका जो लेवल ऑफ चेंज है वो आया नहीं, क्योंकि आपका आपका ये प्यार में प्यार कनेक्शन होना, आपका ये सोलमेट कनेक्शन होना और उसमें सेपरेशन आना, ये सब यूनिवर्स का किया इसलिए है कि एक यूनिवर्स का एक सोल पर्पज़ है, एक मकसद है, आपको दिया हुआ टास्क है कि आप में यूनिवर्स को एज अ सोल लेवल पे एक चेंज चाहिए। वो जब तक नहीं होता आपको कुछ भी सोल्यूशन लाइफ का नहीं मिलेगा। तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनडायरेक्टली इस कदर आपकी एनर्जी चेंज करूँ कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने आप अट्रैक्ट करने लगे, आप ऐसे मैग्नेट बन जाए कि जो मतलब हर चीज़ अट्रैक्ट करने लगे। सेवन ऑफ कप्स बहुत बड़े भ्रम में है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, और फाइव सोर्ड्स,
एम्प्रेस यहाँ पर भी, और तो भी आया है नाइन ऑफ कप्स, और ये अगेन हाई प्रिस्टेस। तो दो मेजर अर्कनास यहाँ पे, कौन सा आया था हमारा, चैरियट। हाँ, तो दो मेजर अर्कनास मैच हो रहे हैं द एम्प्रेस। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि उनकी एनर्जी से ना बहुत ही इमोशनल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेकिन कदर करने वाली और एक फेमिनिन एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। वो जो लॉजिकल ब्रेन है ना, लॉजिकल सीखना, प्रैक्टिकल होना, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। इंट्यूशन उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। बहुत ही सस्पिशियस बिहेव करते होंगे, बहुत चीज़ें छुपाते होंगे, लेकिन उनका ना अंदर ही अंदर बहुत सारी खिचड़ी है, इंट्यूशंस है, वो उनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है डेफिनेटली। अभी ये रिश्ता, मतलब आपको वो बहुत, आपका रिश्ता आपको बहुत बड़ी ख्वाहिश समझते हैं और वो कम्प्लीशन चाहते हैं, मतलब ये खुशहाली पूर्ण मतलब कम्प्लीशन है पूरा। नाइन का टेन हो गया इसके आगे, मतलब ये कंप्लीट हो गया हर चीज़, जिस इसमें पूरा घर है, फैमिली है, सब कुछ है। माना कि ये सब चीज़ें, मतलब आपका फ़िलहाल का रिश्ते में ये नहीं है, बट इसका मतलब ये होता है कि हर जगह से खुशहाली, दसों दिशा से खुशहाली, कहते हैं ना वैसे खुशहाली मुझे फील हो रही है। तो ये वो खुशहाली अट्रैक्ट करे, सोच रहे कि जैसे थिंकिंग करे आपके बारे में, ड्रीमिंग करे, तो उसके चक्कर में वो एनर्जीज अट्रैक्ट करे, वो ये चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनमें, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के, जैसे कि फोर ऑफ पेंटिकल्स आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंस के ऊपर बहुत काम करें, बहुत सोच समझ रहे, बहुत सोच रहे, मतलब हर तरीके से ना बहुत थिंकिंग चल रही है आपके बारे में, रिश्ते के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी है और रिश्ते के लिए, खास करके आप में, आपके लिए इनसिक्योरिटी बहुत बहुत फील हो रही है। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके आपकी तरफ मूवमेंट करने का बहुत सोच रहे हैं और सेल्फ लव प्रोसेस में भी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ना कि उनका इनडायरेक्टली सब कुछ मैनिफेस्टेशन एंड मेडिटेशन हो रहा है, सिर्फ आपको याद करने से, दिल से याद करने से, आप उनको अगर उनकी गलती का एहसास भी होता होगा या माफ़ी मांगने की इच्छा भी होती होगी, आपको पाने की इच्छा भी होती होगी, तो ये उनकी अलग तरीके से मेडिटेशन होते होंगे। और आप देख सकते हैं कि अब उनकी लाइफ में बहुत, जैसे मैंने कहा, तूफान मचे हुए, बहुत चीज़ें, जैसे अभी अपना चलन में बहुत मतलब उस एनर्जी में, पावर में आ रहे, बहुत ज़्यादा पावर में। अभी मतलब लोगों का सुनते थे या थर्ड पार्टी का सुनते थे या थर्ड पर्सन का सुनते होंगे, अभी वो ऐसा नहीं कर, अभी वो अपनी पावर में, अभी हर चीज़ में अपनी चलाने का बहुत कोशिश कर रहे कि अगर मतलब इट्स माई वे और हाई वे, ऐसे सिचुएशन है, नहीं मुझे अपनी बात रखनी है, मुझे अपनी बात मनवानी है। सपोज़ अभी पेरेंट्स के सामने है तो मुझे उसी पर्सन से शादी करनी है, बस बात ख़त्म, ये पावर में आके कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हो या फिर वो आपसे जर्नी करके मिलना आना चाह सकते हैं कि, और ख़ास करके ये मूवमेंट है, आप देख सकते हैं कि जो वह मतलब जो डिस्टर्ब वाटर है, डिस्टर्ब मतलब उथल पुथल वाला पानी है, वो शांत की तरफ मूवमेंट है, शांत की तरफ, वो जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट चल रहा है तो वो शांति की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनर्जी जो डिस्टर्ब है, जैसे कि मैंने कहा तूफान मचे हुए हैं, तो उसकी तरफ सिर्फ शांति की तरफ मूवमेंट ज़्यादा है। और अगेन सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वो बहुत ही डे ड्रीमिंग, मतलब आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ ऑप्शंस का नहीं होता, वो ऐसा भी होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव बहुत पकाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव, कैसा होगा, ऐसा होगा, आगे क्या होगा, ऐसे बहुत भ्रम में नज़र आ रहे हैं मुझे। और जैसे कि मैंने कहा कि द एम्प्रेस की एनर्जी क्या है, तो बहुत ये पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं और आपको देना चाहते हैं ऑफर, कमिटमेंट लेवल की प्लानिंग चल रही है,
तो डेफिनेटली फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट या उनकी मनमानी ना सुनना या अपनी बात रखना, उसके ऊपर बहुत वर्कआउट करके, क्योंकि आपके तरफ कमिटमेंट लेवल का अगर सोच रहे तो उनको बहुत सारे हर्डल्स या कठिनाई से फेस गुजर कर आना पड़ेगा, उनको कठिनाई इतनी सारी फेस करके उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे। तो देखते हैं कि मून गाइडेंस आपके लिए क्या है। मूनोलॉजी गाइडेंस, अभी देखिए, द न्यू स्टार्ट इज कमिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि यस द न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अभी इस रिश्ते में जो है ना, हर चीज़ जो फ्रेश होके मिलेगी आपको, या फिर आगे आपका अगर रिश्ता कमिटमेंट लेवल पे पहुंचा नहीं है ना, तो आप बहुत उम्मीद रख सकते हैं कि नई शुरुआत होने वाली है और इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। ये उनके लिए भी है और आपके लिए है, एक्शन लेने का टाइम आया है। आप जो भी करना चाहते हो अभी करो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये गाइडेंस का मतलब ये है कि इसका मतलब मेरे लिए तो ये है कि डिवाइन टाइम में ना काफ़ी लोगों में मुझे नज़दीक आते दिख रहा है। जैसे मैंने कहा है कि कुछ रीडिंग्स में मुझे ऐसा फील हुआ है कि अगस्त में मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही है, तो डिवाइन टाइम आ रहा है। तो डिवाइन टाइम आने से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर होना पड़ता है, तो वो आप प्लीज़ करिए। वो मुझे कहना है कि मतलब ना मौके पे चौका मारना है, तो मौका आ रहा है, आपको चौका मारने के लिए रेडी रहना है, ऐसा फील हो रहा है। एंजल आंसर्स क्या है, क्या कहना चाहती है एंजल्स, आपको क्या गाइड करना चाहती है, देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, आपको शायद कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपको पता नहीं क्या चीज़ का, आपके लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो सकते हैं वो आप जान सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि सपोज़ उनकी तरफ से कुछ, मतलब वो कमिटमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे आपको, कि शायद पेरेंट्स के साथ रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो वो एक आपको वो समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता अगर सक्सेसफुल होना है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हर एक का कॉम्प्रोमाइज़ अलग हो सकता है। तो एंजल गाइडेंस ये है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एंजल ने दो तरीके से मुझे, अगेन मेरे इंट्यूशन को भरोसा दिया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये कभी ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, बस आपको रेडी रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा फीलिंग है। देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। रीयूनियन, अगेन मैंने कहा ना, मुझे बहुत उम्मीद है अगस्त में कि आप में से काफ़ी लोग का रीयूनियन पॉसिबल है। आई फील इनसिक्योर, अगेन इनसिक्योरिटी की एनर्जीज बहुत है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, इस बात के लिए मैं खुद से ही नफरत करने लगा हूँ या लगी हूँ। Yours only, अगर आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनका कहना यह है कि वो सिर्फ आपके हैं। थर्ड पर्सन, तो आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके रिश्ते के बीच में आया है। स्टॉकिंग यू, आपके सोशल मीडिया पे पूरी तरह नज़र है। आप मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, आपके ऊपर पूरी तरह नज़र है उनकी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, सब कुछ। आई एम स्टक, वो कह रहे हैं कि वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा है कि कमिटमेंट लेवल की बात चल रही है, बहुत सारा दिमाग में चल रहा है,
ख्याल ही बुलाओ। और शादी के ख्याल तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे, कमिटमेंट लेवल के हैं, और ख़ास करके 10 of Cups बहुत कमिटेड और कमिटमेंट देना चाहते हैं। और फाइनेंसेस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एनर्जीज जैसे दो चीज़ों से मुझे मैच हो गई है कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम है और इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गिल्ट ज़्यादा है उनके एनर्जीज़ में कि बहुत तकलीफ़ फील हो रहा है। और मेरी तो सजेशन ये है कि उनको अपने लाइफ में ना थोड़ा स्पेस दीजिए, स्पेस, और आप वही टाइम अपने ऊपर काम करने पे लगा दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उनका इम्प्रूवमेंट या उनका उनके लाइफ में क्या होना है ये यूनिवर्स डिसाइड कर रही है, उन यूनिवर्स सब काम कर रही है। आप सिर्फ अपने कामों के ऊपर, अपनी सेल्फ लव, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दें, ऐसा मेरा कहना है, मतलब सजेशन है। तो इतनी पॉजिटिव रीडिंग देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।